असलम एवरी वन इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल भी गोइंग टू डिस्कस द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स सो द फर्स्ट वन इज़ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द सेकेंड वन इज़ द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो इन दोनों माइक्रोस्कोप्स में बहुत सारे डिफ्रेंसेज हैं ठीक है बट फॉर ए एस लेवल बायोलॉजी एग्जामिनेशन वट यू नीड टू नो इज़ दैट वो आपको जो है पिक्चर्स देंगे ठीक है और वह आपसे पूछेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको ये वाली पिक्चर दी और वो आपसे पूछेंगे कि स्टेट वेदर दिस इमेज इज टेकन फ्राम द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस इज हाई लीड फॉर ए एस लेवल बायोलॉजी एग्जामिनेशन ठीक है सही है तो हमेशा याद रहे कि जो पिक्चर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली जाती है उस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ठीक है ये जो माइक्रोग्राफ का वर्ड है दिस स्पेसिफाइज द इमेज ठीक है तो कहीं भी अगर माइक्रोग्राफ का वर्ड आ रहा होगा तो उसका मतलब इमेज होती है अगर लिखा हुआ है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ और टी ई एम ठीक है तो वो पिक्चर है विच इज टेकन फ्राम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है इमेज टेकन फ्राम द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाओ हाउ डू यू नो दैट दिस इमेज

ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है दूसरी चीज़ ये है कि इस इमेज में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं यू कैन सी द न्यूक्लियस ठीक है ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये न्यूक्लियस है ठीक है और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर आपको जो है वो क्रोमैटन नज़र आ रही है ठीक है कुछ डार्क एरियाज हैं जो डार्क क्रोमैटन है वे इज़ नोन एज द हीट्रोक्रोमैटन और कहीं कहीं आपको लाइट क्रोमैटन नजर आ रही है ठीक है वो है यू क्रोमैटन ठीक है तो ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ठीक है एंड फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल ठीक है विच कंटेन्स द न्यूक्लियस तो आपको जब इंटरनल स्ट्रक्चर्स नज़र आएँ ठीक है और आपको टू डी इमेज मिले तो इट मीन्स द इमेज इज टेकन फ्रॉम द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सही है आपको सर्फिस कॉन्टोर्स या सर्फिस डिटेल्स नजर नहीं आएंगी सेल की या किसी भी टिशू की सही है ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो गाइज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेज ली जाती है उसे क्या बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ एज आई जस्ट मैंशनड दैट माइक्रोग्राफ का जो टर्म यूज़ करते हैं वो इमेज के लिए यूज़ करते हैं तो अगर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है या एस ई एम है ठीक है सो दिस इज़ अ पिक्चर टेकन फ्राम और इमेज टेकन फ्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सही है अच्छा इस इमेज को अगर हम देखें तो ये इमेज देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये इमेज टू नहीं है दिस इज़ थ्री डी इमेज ठीक है तो कभी भी अगर इमेज आपको थ्री डी नजर आए इट मीन्स दैट द इमेज इज टेकन फ्राम द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है तो नंबर वन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर इज द थ्री डी इमेज एंड द सेकेंड आइडेंटिफिकेसन फैक्टर इज द सर्फिस कॉन्टोर्स गाइज यू कैन सी दैट ये जो भी स्ट्रक्चर है वी डोंट नो कि वॉट एक्जैक्टली ये इज दिस हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्या है लेकिन हमें थोड़ा बहुत ये तो समझ में आ रहा है कि थ्री डी है नंबर वन नंबर टू हमें इसके सर्फिस की डिटेल्स नजर आ रही है हमें नज़र आ रहा है कि भाई भैया सर्फेस इसका इंटरनल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा इसका ठीक है तो हमें सर्फेस कॉन्ट्रॉस नजर आ रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि इफ़ यू कैन सी द सर्फिस कॉन्ट्रॉर्स और सर्फिस डिटेल्स इट मीन्स दैट द इमेज इज टेकन फ्राम द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो गाइज दिस इज़ वेरी हाई यील्ड फॉर ए एस लेवल बायोलॉजी एग्जामिनेशन इसके अलावा जो बाकी डिफरेंसेज हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है एग्जामिनर बस आपसे यही डिटेल्स जो है वो पूछता है ओके गाइज आई होप इट्स क्लियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज एवरी